क्या हम गोर में सही भी बोल रहे हैं? गोर में, गोर में नहीं है वो, गोर में आज हम घोर में खा रहे हैं। सब्जियां मत बोला करे इसको, ठीक है बोलो वेजीज सब्जियां। यार ये वो वाली पिज्जा कब स्टार्ट करेंगे जिसमें हाफ अलग टॉपिंग होती है हाफ अलग? इसको क्या दिक्कत हुई है? हेलो डॉक्टर पे नहीं गए तुम? फूल गया। हाय गाइस, सो गाइस डोमिनोज का पूरा मेन्यू ट्राई करने के बाद आज हम डोमिनोज के न्यू पिज्जा ट्राई करेंगे। तो डोमिनोज ने अभी अपना नया मेन्यू लॉन्च किया है जिसमें है गॉरमे पिज्जा। तो आज हम करने वाले हैं गॉरमे पिज्जा ट्राई। तो बिल्कुल सही बंदे लाए ट्राई करने के लिए, जल्दी पिज्जा लाओ। सो गाइस वी हैव आवर फर्स्ट पिज्जा हियर जिसका नाम है अल्फुंगी। अल्फुंगी सो पैकेजिंग तो काफी अच्छी है, मतलब पैकेजिंग में इसने नंबर ले लिए है एंड इसका प्राइस रेंज है जो अराउंड 700 के है मीडियम पिज्जा का। बट आई फील ना कि मतलब जो इसकी व्हाइट लाइन है ना ये गोल्डन होनी चाहिए थी। एनीहाउ इसको एक बार खोल तो ले। अगर इसको देख के बताऊं ना एकदम जैसे वो अब्रॉड वाले पिज्जा जब ट्रेंड नहीं करने लग गए, बुराटा चीज कैसे ब्लॉक्स वगैरह है कोई भी चीज कैसे वो रख देते हैं एंड वही लिमिटेड चीज मेल्ट होके अपनी अपनी जगह पे। और ये एक्चुअली क्या ऐसे ही मतलब थिन क्रस्ट में सर्व करते हैं? डू वी हैव एन ऑप्शन टू चूज? एक्चुअली गोरमे पिज्जा है तो ये थिन क्रस्ट में ही होगा। आई डोंट नो, इनका चीज भी डिफरेंट होगा ऑब्वियसली इफ इट्स गोरमे। सो व्हाट आई कैन सी इज द इंग्रेडिएंट्स जो है इनके, एक तो चेरी टोमेटोज है जो की महंगे माने जाते हैं। चेरी टोमेटो, ड्राइड चेरी टोमेटोज। चलो इसको खाते है यार, देखते है की ऐसा क्या कमाल बनाया डोमिनोज ने। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी हर चीज की क्वालिटी ना एक लेवल ऊपर है। बहुत नहीं कह सकते, एक लेवल ऊपर है। बट ओवरऑल ना ऑफकोर्स खाने में बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल चू करना नहीं पड़ रहा एंड ओवरऑल जो डोमिनोज का एक फ्लेवर आता है ना हर पिज्जा में वो इसमें भी आ रहा है। ऑब्वियसली यार ये बात है, अगर उन्होंने गॉरमे पिज्जा लॉन्च करा है, एक स्टेप ऊपर करा है, दैट मींस दे हैव टू डू इट इन द इंग्रेडिएंट्स आल्सो एंड आई थिंक दे डिड इट। सारे हाई एंड इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, जो इंडिया में नहीं उगता वो सब महंगा ही आता है। तो अगर तुम इस पिज्जा को रेट करना हो तो कितना रेट करेगा? 10 में से इसको अगर मुझे रेट करना हो ना 7 out of 10। आई एम गोइंग टू रेट दिस 6 out of 10। अगला गॉरमे पिज्जा जो है वो है प्रिमावेरा गॉरमे पिज्जा। वैसे पता आपको प्रिमावेरा का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है स्प्रिंग, बट इसका जो असल मतलब है वो है इटालियन और अमेरिकन फ्लेवर को कंबाइन करके जो फ्लेवर बनता है दैट इज प्रिमावेरा फ्लेवर। और मैंने प्रिमावेरा पास्ता खाया है एंड आई हैवंट ट्राइड प्रिमावेरा पिज्जा। ओह वाओ ये गरम भी है। आई लाइक दिस पिज्जा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड आई थिंक चीज फिर से ऑब्वियसली एक स्टेप ऊपर है। मतलब ये अब जैसे आप एक बार खाओगे ना एक बाइट में शायद आपको समझ ना आए, बट आफ्टर टेस्ट इसका बहुत सही है, काफी सटल और एकदम फुल ऑफ पिज्जा फ्लेवर नहीं होता वो। एंड आई रियली लाइक दिस फ्लेवर। आई एक्चुअली थॉट कि ज़ुकीनी कैसा लगेगा यार पिज्जा में, बट इट्स नाइस, सो गुड, इट्स गिविंग दैट क्रिस्पी टेक्सचर टू पिज्जा। यार वैसे एक बात बता, मेरे ना कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो क्या कुछ लोग बोलूं, मम्मी भी मेरी जब भी कोई पिज्जा या मैगी खाती है ना केचप के साथ खाती है। अगर तुम केचप पिज्जा और केचप साथ में खाते हो ना तो तुम्हें सिर्फ मीठे का स्वाद आता है, मतलब आप जिंदगी में बहुत अच्छा स्वाद मिस कर रहे हो जो कि पिज्जा का है। तो प्लीज ये बंद करो खाना। तो इसको तो नंबर बता कितने देगा? 10 में से इसको कितने पॉइंट्स देने थे? मैंने गिरीशा को दूंगा मैं 1 और पिज्जा को दूंगा मैं चप्पल मेरी चप्पल 8। गिरीशा तू कितने नंबर देगी इसको 10 में से? मैं भी इसको 8 नंबर दूंगी 10 में से। गाइस अगला गॉरमे पिज्जा है हमारा कैप्रीज। सो कैप्रीज इज बेसिकली एनीथिंग मेड विद फ्रेश टमाटोज, ऑलिव ऑयल ड्रिजल्ड ऑन टॉप, फ्रेश मोजरेला। दिस इज लाइक महंगा वाला, प्रॉपर महंगा वाला। दिस इज महंगा वाला चीज मार्गरिटा विद और महंगा फैक्टर विद चेरी टमाटोज ऑन टॉप। सो डोमिनोज ने इसको एकदम पूरा गॉरमे लुक देने के लिए, एकदम फील देने के लिए साथ में ऑरिगेनो तो भेजे ही है एंड दे हैव सेंट बेसिल लीव्स आल्सो एंड ऑलिव ऑयल। चले काम करते हैं इसको थोड़ा वैसे खाते हैं गिरीशा, थोड़ा फैंसी तरीके, बट मेरे को मेरी लीफ नहीं मिल रही। फैंसी तरीका तो नहीं है गट्टू, ये हमारा तरीका है। भाई क्या टेस्ट आ रहा, प्रीमियम टेस्ट। ऑफ कोर्स नीचे जो पिज्जा का डो है वो थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे, बहुत ज्यादा नहीं, बट विद दिस ऑलिव ऑयल एंड बेसिल लीव्स यम्मी। आई थिंक इनके सारे पिज्जा जितने अभी तक हम गॉरमे ट्राई कर रहे हैं तो इनका डो काफी डिफरेंट है, मतलब पता लग रहा है क्वालिटी का कि जब हम अपने
मुंह में डाल रहे हैं पिज्जा तो वो ऐसे एकदम घुल रहा है यार, ये बेस्ट इन काइंड है। मतलब हाँ। जैसे कहेंगे ना पिज्जा की डेफिनेशन क्या होती है, पिज्जा ऐसा होना चाहिए, फिर जो वेजिटेबल्स पेपरोनी आते हैं एडिशंस इन द टॉपिंग्स। यार आज पता नहीं क्यों मेरा ना मन कर रहा है सबको नंबर दे जाऊं यार, अच्छे है जेन्युइनली पिज्जा अच्छे, और अगर अच्छी चीज होती है तो आपको नंबर अच्छे देने का मन भी। अरे ये तो मेरे से तो ले गया ये 9 out of 10 यार। I think 9 तो नहीं दूंगी मैं इसको, because I'm waiting for the another one. But I really, really loved it. I think I'm gonna rate this one 8 out of 10. So guys, इसका price भी around 700 है। हमारे पास जितने वेज गोरमे पिज़्ज़ा हैं, उनके अभी तक के सारे price 700 के अराउंड पे ही है। I think मुझे भी ये लगता है कि this one is worth it. And Basil ने जो समा बांधा ना, अगला पिज़्ज़ा ले फटाफट। अगला पिज्जा है जो कि स्पेशली फॉर गट्टू, पेपरोनी पिज्जा। गट्टू प्लीज खा ले यार, मुझे अगला पिज्जा खाना है। तो ये ये गोल गोल क्या है गट्टू, इसमें मुझे सिर्फ स्पॉट्स दिख रहे हैं व्हाइट। ओह वो स्पॉट्स, चुप हो जा, स्पॉट्स दिख रहे हैं, उसको क्या चिकन पॉक्स हो रखे हैं। वैसे ना ये पेपरोनी है, पेपरोनी ओरिजिनली होती है पोक की, बट हमारे पास है चिकन पेपरोनी। मार्गरीटा के ऊपर इन्होंने बस वो स्लाइस रख दी है। एक मिनट यार टेस्ट करने दो, बीच में मत बोलो इतना ज्यादा, ठीक है। सॉरी गट्टू। तो निकलेंगे ना तेरे भाई, डेफिनेटली जो ओरिजिनल इनका पेपरोनी आता ना उससे बहुत अच्छा है। देखने में मत जाओ, देखने में थोड़ा सिंपल एक बोरिंग सा लगता है, बट टेस्ट बहुत सही है। मैंने ऊपर पेपरोनी खा ली है। चल बे, मैं वो नहीं हूँ कि जो ग्रेवी खा लेते हैं और चिकन पीसेस नहीं खाते। आप नहीं खाते तो नहीं खाते, जो नॉन वेज नहीं खाते पर अंडा खा लेते और चिकन की तरी पी लेते हो, कमेंट करके बताना। तो गट्टू आप इसको नंबर कितने देने जाएंगे, मुझे प्राइस तो बता, इतना किस कितना डिफरेंस है इसका वेज इसका। देखो जो हमने वेज गोरमे पिज्जा खाया वो 700 के अराउंड था, और जो हमने नॉन वेज पेपरोनी वाला खाया दिस इज अराउंड 850 रुपीस। इसको अगर मैं 10 में से नंबर दूं तो मैं इसको दूंगा 6 out of 10। ये है 4 cheese pizza। अरे चार चीज से इनका मतलब है चार टाइप की चीज है इसके अंदर, और काफी ज्यादा चीज है दोस्तों। 2 सेंटीमीटर तक की उसकी वो चीज की वॉल है, ऐसा लग रहा है मेयो डली हुई है। हाँ। तो इतना खुश होके क्यों बता रही है। डिसअपॉइंटमेंट, इतनी बाइट में इतनी सारी चीज का घूंट आया पूरा मेरे मुंह में। ये जो आपका चीज बर्स्ट होता है ना नॉर्मल पिज्जा, ये एकदम वही है, मार्गरिटा को चीज बर्स्ट में बना दिया। गाइस 4 cheese के नाम पे उन्होंने वही बेच रहे हैं आई थिंक। ये क्वांटिटी दबा के अंदर चीज डाली हुई है। अगर आपको चीज बहुत पसंद है, चीज हमेशा पिज्जा में चीज चाहिए, ये खा लो। गट्टू इस पिज्जा को रेट कितना करेगा? मैं इस पिज्जा को रेट करूंगा, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जस्ट बिकॉज कि मेरी इतनी सारी चीज मैं नहीं प्रेफर करता, तो आई विल गिव इट 5 out of 10। तो तू कितने पॉइंट्स देगी इसे? आई थिंक आई आल्सो एग्री विद गट्टू कि बाकी पिज्जाज तो बेस्ट थे, और ये थोड़ा ऐसा है कि आई डोंट नो हमारे टेस्ट उस हिसाब से कि हमें ज्यादा चीज नहीं पसंद है। तो अगर आपको पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आई थिंक आई विल रेट दिस पिज्जा 4 out of 10। ओके गिरीशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये है हमारा पराठा पिज्जा। अब ये कौन सा है, पनीर पराठा, आलू पराठा, कौन सा पराठा है? ये है पनीर पराठा पिज्जा। ये मैं बताता हूँ इन्होंने क्या यूज किया है। तूने इनका टाको खाया है? ओ हाँ टाको मैंने खाया है यार। ये जो इसका आउटर क्रस्ट है ना, बिना खाए भी बता सकता हूँ टाको का क्रस्ट है, वो बस सॉफ्ट हो गया। थिन क्रस्ट पिज्जा को बीच में से काट के इन्होंने उसके अंदर पनीर का लेयर भर दिया, और उसमें कोई तो व्हाइट कलर का सॉस है। अच्छा दिस इज पनीर, या तो ग्रीस करने का ना बड़ी दिक्कत है ये वाली वीडियो ना, मेरे को नॉनवेज खाने को मिल नहीं रहा। एक पेपरोनी के लिए लाई हूं, वो भी लाई हूं, तू वेट कर। डू वी हैव अ चिकन पराठा पिज्जा आल्सो? जस्ट वेट फॉर इट गट्स। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत टेस्टी है ये। अच्छा है, आउटर क्रस्टी क्रस्टी सी बाइट है और अंदर सॉफ्ट सा पनीर है, और पनीर के अंदर ना कोई भी इन्होंने वैसे फिरंगी फ्लेवर नहीं डाले, थोड़े इंडियन फ्लेवर है। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि पराठा पिज्जा कैसे बना देंगे यार ये, मतलब समझ नहीं आया मुझे, लेकिन या They did something, कुछ तो innovation किया। मेरे को ऐसे ही innovation ना बहुत पसंद है कि ऐसे experiments, और ये experiment सबसे ज़्यादा बढ़िया था Domino's का। हाँ। और ऐसे innovations करते रहना चाहिए कि जैसे कि हमारे sponsor Urban Company, ये नई नई innovations करते रहते हैं और इनके customers की lives और easy और better बनाते रहते हैं। Urban Company has launched a bunch of services जिसमें से आते हैं Hydrafacial, Laser at Home, और आपके पास video consultation है। So आप wait किस चीज़ का करें, app download करो जल्दी से, सारी services का फायदा उठाओ। अगर तुझे रेट करना हो इस पराठा पिज्जा को तो कितने नंबर देगा? अगर मेरे को इसको रेट करना हो ना, मैं इनोवेशन,
टेस्ट क्वालिटी के बेसिस पे दूं तो इसको यार 8 बनते हैं क्योंकि वाओ। सो आई थिंक दिस इज वेरी इनोवेटिव और उस इनोवेशन के लिए एक्चुअली गट्टू की तरह मैं भी एक नंबर और दूंगी। सो आई थिंक आई एम गोना रेट दिस 8 नंबर। आए अगला पिज्जा ले आओ, अगला पराठा ले आओ। जैसा कि मैंने बोला था कि गिरीशा के साथ ये वीडियोस करनी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि सिर्फ वेज खान आता है, बट गिरीशा ने वो बात दिल पे ले ली और इसने मेरे लिए लेके आई है कीमा पराठा पिज्जा। दोस्तों के लिए यार कुछ भी। ये देखो भाई इसकी स्टफिंग देख लो, इसमें बस इतना और ये थोड़ा सा कीमा है अंदर, एकदम अंदर डीप तक नहीं है यार। ये ना इनकी अपनी चीज और मेयो का ब्लेंड है। आर यू रेडी? आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? अरे वाह अबे डोमिनोस भाई क्या हो गया तुम्हें? मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मतलब नीरज को टेस्ट कराते हैं, इसको फटाफट एक बाइट ले और बता कैसा लग रहा है। ले ना फिर जल्दी, मेरे को उम्मीद है तेरे को भी अच्छा लगेगा। आई टोल्ड यू। और कीमा का टेस्ट कितना सही है भाई। चल ठीक है, ऑफ कैमरा हम चल 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 चलो। अरे यार मेरा तो छोड़ जा। देखो भाई अब पिज्जा तो रहा नहीं मेरे पास, तो मैं और क्या बात करूं उसके बारे में, बट बहुत टेस्टी था। इसको मैं दूंगा 9 out of 10। एंड इन दोनों का कॉस्ट क्या था? पनीर का कुछ 210, इसका कुछ 250। 250 के बीच में ये वाले आए थे और बट बहुत टेस्टी है। कीमा वाला ट्राई करना दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस ये थे हमारे आज के सारे पिज्जाज। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द ओवन गाइड। आल्सो गाइस कमेंट करके बताना कि हम और कौन सी जगह से पिज्जा खाएं, तो हम अगले वीडियो में फिर खाते हैं। क्यूसी की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, सर्विस ले लेना। बाय बाय।